सत श्रीकाल जी, मेरा नाम रमन शर्मा। एज एन आइलेट्स ट्रेनर मैं यूट्यूब देते बहुत सारी वीडियोज़ नू अपलोड किया, तो बहुत सारे बच्चों के कहने के उत्ते अज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिहड़ी राइटिंग टास्क टू दी वीडियो है। जिहड़े बच्चे आइलेट्स कर रहे हैं, वो चाहे पाठणा कर रहे हैं, चाहे होल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने भी कर रहे हैं, तो उन्होंने सारे ने चीज़ कन्फर्म है कि आइलेट्स राइटिंग टास्क टू हमेशा 250 वर्ड्स के लिखा जाता है। ते बहुत सारे बच्चों में प्रेशर होंगे कि सर साढ़े 230 रेशो रहेगी, या कोई बच्चा कहना सर साढ़ी 270 रेशो है, जो मतलब कि कई बार है वर्ड्स ने वह घट बढ़ जाते हैं। तो बड़ी क्लीयर चीज़ यह है, तुसी मिनिमम 240 भी कर सकते हो, तो मैक्सीमम 260-265 तक ता बर्दाश्त किया जाएगा, इस तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें पेनल्टी हो जाएगी, ता बैंड स्कोर है जोड़ा वो डिडक्ट हो जाएगा। ताडे कोल 40 मिनट्स ने इस एसे नूं लिखण दे लई। ते सब तो ज्यादा गलती जिहड़ी बच्चे करदे आ, उह नाल दी नाल जदों टॉपिक मिलदा एसे नूं लिखणा शुरू कर देंदे आ। सब तो पहला क्राइटेरिया इहदा इह हुंदा है, जदों भी राइटिंग टास्क करना शुरू करो, तां जदों भी तुहानूं मिलदा एग्जामिनर तुहानूं फड़ाउंदा हैगा राइटिंग टास्क, तां 5 मिनट उहनूं प्लैनिंग ते लओ। उह 5 मिनट दी करी हुई बहुत अच्छी प्लैनिंग, ते तुसीं 35 मिनट दे विच अपने एसे नूं बहुत अच्छे तरीके नाल कर सकदे हो। राइटिंग टास्क दीयां कुछ टाइप्स ने, जिवें अग्री डिसअग्री हो गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, बोथ व्यू हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत सारिया इन्हां टाइप्स ने गियां। ते बहुत सारे बच्चे डरदे आ हरेक टाइप तो। मेरा आपदा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि तुसी एक टाइप नू बहुत अच्छे तरीके नाल लिखना सीख लो, ते बाकी दीयां टाइप भी लगभग सेम हुंदियां, थोड़ा बहुत थीसिस वगैरह जां अंदरों थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज हुंदा, ज्यादा कोई फर्क नहीं हैगा। ते राइटिंग टास्क नू डर के जिन्ना लिखोगे ये तुहाडा एग्जाम उन्ना क्लीयर नहीं हुंदा। ते बड़ी क्लीयर गल ये है कि राइटिंग टास्क हमेशा नॉलेज बेस्ड टेस्ट है। जेकर तुहानू किसी भी जे तुहानू एग्जाम दे विच टॉपिक आउंदा ते तुहानू उहदी नॉलेज नहीं हैगी, तुहानू आपदी पंजाबी या हिंदी च नॉलेज नहीं हैगी, तां पॉसीबल ही नहीं कि तुसी उहनू इंग्लिश च तुसी ट्रांसलेट कर लोगे। तां एग्जाम्पल यह है, मैं दो एग्जाम्पल दिंदा तुहानू। एक बच्चे नूं टॉपिक आया कि नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन कीता, मतलब कि नोटबंदी कीती, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2, ਜਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੀਲੀ ਮਾਇੰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਜਾਂ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ BP1 ਜਾਂ BP2 ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਸਲਾਈਡਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਪੇਜ ਦਾ ਰੀਫਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਥੀਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਵੇ,
इंट्रोडक्शन सेम होएगी, बिल्कुल डरन की लोड़ नहीं। बस ये है कि जिहड़ी थीसिस लाइन है वो चेंज हो जाएगी, पर जिहड़ा रीफ्रेज है तुसी एक एसे नूं बहुत अच्छे तरीके नाल रीफ्रेज करना सीख लो, एक काइंड नूं बहुत अच्छे तरीके नाल रीफ्रेज करना सीख लो, ते डेफिनेटली जिन्ने भी काइंड्स ने सारे दा रीफ्रेज सेम होंगेगा। उस तों बाद बॉडी पैराग्राफ वन है ते बॉडी पैराग्राफ टू है। तुसी गौर नाल देखो कि मैंने बॉडी पैराग्राफ वन नूं सब तो पहले मैंने टीएस वन दिता, टास्क स्टेटमेंट वन, उहदे नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिता, उहदे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिता, ते उस बाद मैंने इफेक्ट दिता। मतलब ये मैनशन कर रहे हैं कि जो तुसी बॉडी पैराग्राफ वन राइट करना है तुसी ये चार चीजां मैनशन कर दो, ते जिहड़ा क्राइटेरिया मैं तुहानू करवा रहा हैं ये बिल्कुल आईएलटीएस राइटिंग टास्क टू का नवा क्राइटेरिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करते हैं, बहुत हले करनगे भी, ते जो बच्चा इस स्ट्रक्चर नूं फॉलो करके आउंदा है तो आईएलटीएस बहुत अच्छा बैंड स्कोर गैट कर देगा। TS1 मतलब टास्क स्टेटमेंट जो भी आप मेन टॉपिक की गल करांगे वो पहले शुरू च लिखांगे, फिर उन्हें अच्छे तरीके नाल आप एक्सप्लेन करांगे, उस बाद आप कोई भी एक एग्जाम्पल मैनशन करांगे, तो उस बाद आप एक इफेक्ट नूं ऐड कर देंगे। तो डेफिनेटली सेम चीज़ है वो बॉडी पैराग्राफ टू दे विच भी सेम है। तो लास्ट से जो कंकलूजन है, तो डेफिनेटली एक गल याद रखियो बच्चे, कंकलूजन दे विच कोई भी चीज़ नवी मैनशन नहीं करते होंगे, जो तुसी टास्क वन मतलब कि बीपी वन ते बीपी टू दे विच मैनशन किया सेम उन्हां चीज़ां नूं रीफ्रेज करके तुसी कंकलूजन लिख दो, कोई नवा आइडिया मैनशन नहीं करना होंदा। ये अपना स्ट्रक्चर सीगा। ते हुण आपां टॉक करदे हां स्टेटमेंट दी। मैं तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते तुहानूं एक स्टेटमेंट शो कर दूं। सो तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते देखो एक रेड कलर च स्टेटमेंट शो हो रही है तुहानूं, जो आयल्स का टॉपिक तुम एग्जाम चाहेगा फील करो कि तुम एग्जाम के ये टॉपिक आया जब मैनू ये टॉपिक आया तो मैं इसको किस तरीके ना बहुत अच्छा लिखा ता जो मेरा बैंड स्कोर बहुत वधिया आए। बिग सैलरी इज मच इंपॉर्टेंट दैन जॉब सैटिस्फैक्शन। टॉपिक बड़ा क्लियर है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा सैलरी होनी लाजमी है, मतलब कि जॉब सैटिस्फैक्शन की लोड़ नहीं हैगी, पैसा आए जॉब सैटिस्फैक्शन तो क्या लेना। Do you agree or disagree? ऐसे नूं शुरू करन तो पहला तुसी अपने माइंड च दे बहुत सारे आइडियाज भी क्रिएट कर सकते हो। मैं तुहानूं 5 मिनट का टाइम देना हुंदा कि 5 मिनट दे विच तुसी कुछ भी ऐसे नूं क्रिएट करो ते उस तो बाद लिखना शुरू करो। तो सब तो पहली चीज यह है कि किसी भी बंदे दे उत्ते बंदिश नहीं हैगी कि वह अग्री वाले जाऊगा तो वह बैंड आवगे, जो डिसअग्री वाले जाऊगा वो बैंड आवगे। तुसी बिल्कुल फ्रीली हो, तुसी अपनी चॉइस नाल एक पार्ट चूज कर सकते हो, चाहे अग्री का चाहे डिसअग्री का। तो यह गल याद रखियो इस पार्शियली अग्री डिसअग्री नहीं होया जाता, क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन डू यू अग्री और डिसअग्री है। बहुत बच्चे च डाउट होंगे कि सर 70-30 कर देने, दो पैरे एक दे बना देने, एक पैरा एक दा बना देने, भी दो अग्री एक डिसअग्री। बिल्कुल भी नहीं, जे तुहानूं डायरेक्ट क्वेश्चन अग्री और डिसअग्री पुछया जां तुसी दोनों स्टैंजर्स जिहड़े अपने बनाउणे आ ओह अग्री दे बनाओ, जां दोनों स्टैंजर्स जिहड़े बनाउणे आ ओह डिसअग्री दे बनाओ, दैट्स इट। यह तुहाडी अपनी चॉइस है कि तुसी एग्जाम दे विच जदों लिखोगे तुसी बिग सैलरी वाले जाना है जां जॉब सैटिस्फैक्शन वाले जाना है। पर जिहड़ा मैंने अज ऐसे लिखेगा तो मैंने ये मैनशन किया मैं अपने आप को एक जॉब सैटिस्फैक्शन वाल ज़्यादा प्रैफरेंस दी है रादर टू के बहुत ज़्यादा सैलरी होनी। तो कोई भी बच्चे के प्रैशर में अपनी चॉइस के चूज कर सकता है। ऐसे में शुरू करने तो पहले जिम्मे मैं स्ट्रक्चर से दसिया कि इंट्रोडक्शन तुम लिखनी लाजमी है। तो इंट्रोडक्शन कि चीज़ों को बनती है, दो चीज़ा मैनशन होंगे ने, वन इज कॉल्ड रीफ्रेज एंड सैकेंड इज कॉल्ड थीसिस। रीफ्रेज का साफ शब्दों इन्ना का मतलब है कि जो तुम स्टेटमेंट मिल गई अपने वर्डिंग दोबारा चेंज करके लिखना इज कॉल्ड रीफ्रेज। जे कोई बच्चा बिग नूं पहला लिखता है फिर सैलरी नीचे लिखता है फिर इज फिर मच फिर मोर ये सनने में उतार के लिखता है तो डेफिनेटली एग्जामीनर तो बिल्कुल इंप्रैस नहीं होता तो बैंड स्कोर नहीं आऊगा। तो मैं तुम्हें यह बड़ा क्लीयर करना कि प्रॉपर एक लाइन अच्छे तरीके रीड करो, अपने माइंड से ट्रांसलेट करो, तो एक अच्छे तरीके सनोनिम यूज करके रीफ्रेज कर दो, बहुत अच्छे बैंड लग जाओगे। किसी भी बच्चे के उत्ते प्रेशर नहीं है कि उन्हें मेरिया सारिया गलों मनना है, वह बहुत फ्रीली है आइडियाज ले सकता है अपनी चॉइस में भी लिख सकता है। तो मैंने रीफ्रेज में किवें किया स्क्रीन के उत्ते देखो ये रहा शुरुआत मैंने की इट इज ऑफन आर्ग्यूड, मतलब आम तौर पर आपको देखा ना लोग गलबात करते दैट इट इज मोर एडवांटेजेस टू चूज अ जॉब विद हाई वेज इवन इफ डज नॉट अपील टू यू एट ऑल। जो मैं नीचे लाइन लिखी है वह प्रॉपर स्टेटमेंट के नाल जे आप देखिए दोनों का एको मीनिंग निकल जाएगा,
मतलब यही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा एवं भी जॉब करने का जिन्हें बहुत ज्यादा वेज हो वेज मतलब पैसा तनख्वाह मिले चाहे डज नॉट अपील टू यू चाहे वो तुम खुश करे ना करे मतलब रीफ्रेज का मतलब यह होंगे जो उपर स्टेटमेंट च दिता उन्होंने अपने शब्दों च लिखता दैट्स ऑल हर कोई अपने च लिख सकता है आप अपने सिनोनिम यूज कर सकता है कोई प्रेशर नहीं है कि जिमें मैं लिखा तुम एवं ही लिखना है पर यह बहुत अच्छे काइंड नाल लिखा हुआ है इससे इस तो अगे जी मैं लाइन मैनशन किया बच्चे दैट इज कॉल्ड थीसिस जी लाइन है दिस एसे डिसअग्री जो मैं इसे हुण मेंशन किया मैं डिसअग्री वाल गया मैं नहीं चाहता कि मैं बिग सैलरी नूं लवां मैं जॉब सैटिस्फैक्शन वाल गया दिस एसे विल डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज इट गिवस अस प्लेजर एंड इंस्पायर परसन टू वर्क हार्ड मैं इस एसे दे विच दो बीपी बनाऊंगा बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू ते थीसिस लाइन दे विच ही मैं मेंशन करता कि बॉडी पैराग्राफ वन दे विच मैं टॉक करूंगा प्लेजर दी खुशी दूजे मैं करूंगा जो बीपी टू है उस इंस्पायर परसन एग्जामिनर बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ के क्लीयर हो गया कि मैं इस एसे डिसअग्री हाँ तो थीसिस पढ़ के भी क्लीयर हो गया कि मैं बॉडी पैराग्राफ किसकी टॉक करूंगा तो बॉडी पैराग्राफ टू च किसकी टॉक करूंगा अज तो जो ओल्ड ट्रेंड सेगा थीसिस लाइन के कोई बॉडी पैराग्राफ वन या बॉडी पैराग्राफ टू मैनशन नहीं किया जाता सी पर यकीन करो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करोगे तो एग्जामिनर तो इंप्रैस भी होगा तो डेफिनेटली 0.5 या 1 बैंड तक बूस्ट भी होगा हुण आपां टॉक करन लगे हाँ बॉडी पैराग्राफ वन दे जिवें कि शुरू दे विच मैं तुहानूं एक स्ट्रक्चर दस्से सी बॉडी पैराग्राफ वन नूं करन दे लई आपां उहदे विच 4 थिंग्स नूं मैनशन करांगे टास्क स्टेटमेंट नूं नंबर 2 ते मैं उहनूं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा उस तो बाद मैं कोई एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करूंगा तो दैन मैं वह एक इफेक्ट देऊंगा चार चीज़ा मैनशन होने तो बाद एक बॉडी पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके बन जाता है प्रॉपर नॉलेज भी होंगी और ईवन जो वर्ड लिमिट है वह भी बहुत अच्छे तरीके क्लीयर हो जाती है तो ताकि स्क्रीन के उत्ते एक चैक करो शुरू मैंने किया जो बॉडी पैराग्राफ वन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाद मैंने कॉमा मैनशन किया ये कि शुरू के Job satisfaction gives people a sense of fulfillment that no money can guarantee. मैं की मेंशन किया इहदे विच कि सब तो पहला जिहड़ी टास्क स्टेटमेंट बन है कि जॉब सैटिस्फैक्शन एक बंदे नूं अंदरूनी खुशी दे सकती है एक नूं पूरा सैटिस्फाई कर सकती है जिहड़ी कि एक पैसे दे नाल वो खुशी नहीं मिल सकती इत्थे तक मेरी टास्क स्टेटमेंट बन है हुण मैं एक्सप्लेन करूंगा ईवन If someone is earning a high salary but feel tensed and compromises with conscience होंदा हैगा अपना जमीर कहिंदा जे कोई बंदा बहुत ज्यादा उच्चे दर्जे का पैसा कमा रहा है बहुत ज्यादा उहदी सैलरी है पर वो फीलिंग दे विच के टेंशन च रहिंदा हैगा वो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने कंसाइंस नाल अपने जमीर दे नाल कि जिहड़े काम उह नहीं भी करना चाहुंदा उहनूं फिर भी करने पैंदे आ दिस परसन वुड नॉट एंजॉय हिज लाइफ ते ये बंदा कदें भी अपनी लाइफ नूं एंजॉय नहीं कर सकूगा वाइल परस्यूइंग वन्स इंटरेस्ट विल ऑलवेज ब्रिंग प्लेजर एंड फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन बल्कि जे कोई बंदा अपने इंटरेस्ट नाल काम करूगा उन्हें बहुत खुशी नाल काम करूगा तो वह की करेगा नाले तां उन्हें खुशी भी मिलेगी तो उन्हें सैटिस्फैक्शन भी मिलेगी ये मैंने इन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन करता सब तो पहला मैंने टास्क स्टेटमेंट वन दिता उस तो बाद मैंने इन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि जे बंदा बहुत ज्यादा तनखाह लैन के बावजूद भी उन्हें खुशी नहीं मिलती जमीर नहीं मनता तो वह कोई हैप्पीनैस नहीं हैगी एक एग्जाम्पल मैनशन की क्योंकि थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल मैनशन होगी तो एग्जाम्पल हमेशा यूनीवर्सल होवे इंटरनेशनल होवे यह नहीं है कि आप अपनी कॉलोनी की अपने शहर की कोई छोटी मोटी एग्जाम्पल पा देंगे इस मैं की मैनशन किया है फॉर एग्जाम्पल numerous famous researchers made their career choice not because of appealing wages but because they passionate about science bahut sare researcher ja scientist keh sakde hain apan unna ne apna jehda career di choice kiti hai oh ik paise nu dekh ke nahi kiti ke scientist honge bahut paise honge unna ne jehdi apni choice kiti hai oh apne passion nu choose karke kiti hai apde ke satisfaction nu choose karke kiti hai तो आप एग्जाम्पल मैनशन की है तो लास्ट से जो आप इफेक्ट मैनशन किया देयर फोर
it is more important to choose the kind of work that makes you happy than a look at high salary. Effect hamesha eh hunda hundega ki apa sare upar jo tin cheezan mention kitiyan ne oda acche tarike nal nichod ja kadke apa mention kariye ki eh bahut zaruri hai ki ik aive da kam labhya jave jehda tanu bahut achi khushi deve na ki aive da kam labhya jave jehda tanu ik high salary da deve par hamesha tension ch rakhe apne concerns de nal tanu hamesha compromise karna pave. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ BP 1 ਹੈ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਰੈਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਥੀਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਸਟ ਬੀਪੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕੀਪਸ ਯੂ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨੋ keeps you motivated ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਸ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਵ their job can easily excel in their fields of work and achieve better results than those who put salary on first place matlab ki in lokan ch dekhya vi gaya hai ki jehde log apni job di satisfaction nu dekhde aa oh sab to pehla paise nu mention hi nahi karde apni life de vich oh bahut jyada productivity vi karde aa ohna nu satisfaction ta hundi hundi hai balki apne goals nu vi bahut vadde level da oh achieve karde aa balki dooje passe jehde log salary nu pehla pehal dende aa oh eh khushi vi nahi dekh sakde te ohna ch productivity vi nahi hundi kyunki ohne hamesha paise nu pehal ditte hunde aa for instance what use kita example ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਟਾਪ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇਜ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ and venture to become a writer and after enduring years of ups and downs he became one of the most famous and well-paid author of the 20th century henry miller nu bahut achi tankha milde sigi par phir bhi ohne tankha nu chhadta oda sab to vadda reason eh siga ki usnu oh kamm nu karde vich kick nahi mildi si kick milda matlab ki happiness nahi mildi si oh khushi nahi mildi si henry ne ki kita ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੈਲ ਪੇਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਕ ਸੀ ਲਿਖਣ ਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਦਾ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਜੌਬਸ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਯੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਲੋ ਸੈਲਰੀ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਰੋਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਰਾਦਰ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬਿਗ ਸੈਲਰੀ ਯੂ ਪੀਪਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਜੌਬ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਯੂ ਹੈਪੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਗ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਬੀਪੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ
जॉब क्योंकि एक गल मुझे याद रखी मैं अपना ओपीनियन क्यों मेंशन किया ऊपर मैंने स्टेटमेंट के पूछा गया डू यू अगरी क्योंकि मैं पूछा तू अगरी है कि नहीं है तो कंक्लूजन च मैंने आई वर्ड यूज किया बहुत बच्चे डरते हैं कि आए या वी यूज करना है कि नहीं करना जो तो अपना ओपीनियन उन्होंने पूछा ना डू यू अगरी और डिसअग्री तो मैं की कह रहा आई स्ट्रोंगली बिलीव दैट जॉब सैटिस्फैक्शन इज मोर बेनीफिशियल जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बेनीफिशियल है देन हाई सैलरी बिकॉज इट मेक्स पीपल हैप्पी एंड मोटिवेटेड देखो मैं बीपी वन च प्लेजर की गल की इतने हैप्पी करता उ मैंने इंस्पायर परसन की गल की इतने मैंने मोटिवेटेड करता बॉडी पैराग्राफ वन से टू के जो गल्लां कीतियां सेम दियां सेम मैंने कंकलूजन के मैनशन कीतियां एक बार तुहानू ओवरऑल क्लीयर करदा मैं इस चीज का जदों भी कदे राइटिंग टास्क लिखना है रीफ्रेज ते थीसिस दोनों मैनशन ने काइंड कोई भी हो रीफ्रेज का साफ शब्द मतलब है जो स्टेटमेंट है वो अपने वर्डिंग च लिखो दैट्स ऑल थीसिस च हमेशा मेंशन कर दो कि ऐसे केड़ी काइंड दे मैं इनू अग्री करता डिसअग्री करता तो कुछ भी वो पॉजिटिव नेगेटिव वो अगली काइंड आउणगी दो पैराग्राफ बनेंगे बॉडी पैराग्राफ वन ते बॉडी पैराग्राफ टू बॉडी पैराग्राफ्स दे विच हमेशा एक गल याद रखो फोर थिंग्स मैनशन होणगीआं सब तो पहला टॉक काली करनी है वह टास्क स्टेटमेंट उस जो टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया उन्होंने जुड़ती कोई एक एग्जाम्पल लास्ट जाके उस एग्जाम्पल के नाल की अपन इफेक्ट है रिजल्ट की निकलिया वो चीज़ जो फोर थिंग्स मैनशन होंगे तो एक बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट होएगा तो मैंने ये भी फोर थिंग्स फर्स्ट कीती ने फोर थिंग्स सैकंड कीती ने तो लास्ट जाके जो कंकलूजन लिखा वो बॉडी पैराग्राफ वन टू कट्ठे में लिख के लिखता सो दैट इज द एंड ऑफ टास्क तो जे किसी भी बच्चे कोई भी डाउट हो सकता है तो वट्सएप नंबर तुहाडी स्क्रीन के उत्ते चल रहा है तो तुसी किसी भी टाइम तुसी टैक्सट कर सकते हो तो तुहानू रिप्लाई किया जाएगा थैंक यू सो मच सत श्री अकाल।